देती है, विपक्ष को जो है सवालों के कटघरे में खड़ा कर देती है। सवाल तो सबसे पूछे जाएंगे, जवाब सबसे पूछे जाएंगे, लेकिन संघ के भागवत का बयान, चीन पर कब्जा, चीन का कब्जा भारत पर मान लेना, यह सबसे बड़ा बयान है। और लेकिन बिहार के लोगों को और देश के युवा सैनिकों को मरवा सकते हैं सीमा पर, कि बेटा हथियार मत उठाना, मर जाना, जिसमें बताया जाता है कि चीन डर गया, चीन संघ की धार से डर गया, चीन कांप गया, चीन कांप गया राजनाथ सिंह के दशहरा पूजन से। राजनाथ सिंह तो सिक्किम की सीमा तक नहीं पहुंच पाए, पहले ही पूजा करके भाग गया है। हमने संघ के भागवत जी ने दशहरे के बारे में बोला, एनआरसी बिल के बारे में बोला, सीए के बारे में बोला, सबके बारे में बोला, वो हाईलाइट चलता रहा, लेकिन चाइना पर एनक्रोचमेंट माना भागवत ने, ये तो हेडलाइन ही गायब थी। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। जो खबरें आपको ना दिखाई किसी ने, वो खबरें हम दिखाएंगे। दशहरे की शुभकामनाओं के साथ चलो रावण फूंक ही देते हैं, लेकिन रावण नहीं फूका। ये पहली बार हुआ है जब अनाचार इतना बढ़ गया है कलयुग में कि रावण का पुतला फूंका नहीं गया कोरोना के डर से। हर साल फूंका जाता था, इसके भी कुछ राजनीतिक, धार्मिक और कुछ सनातनी मायने होंगे, इसको भी निकालना जरूरी है दोस्तों। लेकिन इससे पहले मैं बोलना चाहूंगा वो एक सच जो संघ के भागवत जी ने बोल दिया। उन्होंने अपने एक ट्वीट में बोला कि साहब चाइना ने कब्जा कर लिया हमारी जमीन पर और उसकी यही इच्छा रही है, हमेशा से इच्छा रही है। ताइवान, वियतनाम का भी जिक्र उन्होंने किया, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी पहले भी कर चुके हैं अपने उसमें, लेकिन कब्जा नहीं माना प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो राहुल गांधी ने उनपे थोड़ा सा फिरकी ले ली और फिर की राहुल गांधी की बनती थी, उन्होंने बोला डीप इनसाइड मिस्टर भागवत नोज द ट्रुथ, ही इज जस्ट स्कैर्ड ऑफ फेस इट। मोहन भागवत जी को सच पता है लेकिन सामना करने से डरते हैं। संघ के लोगों ने ही चाइना को जमीन हड़प्पा दी। अब ये सच जब मोदी जी के जो परिवार के बड़े वाले हैं मोहन भागवत जी खुद स्वीकार कर रहे हैं, मोदी स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो यहां अंतरकलह सामने आ जाती है। अंतरकलह बहुत हैं जिनके खुलासे आगे करता रहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ऐसी खबर आपके बीच जाकर के विश्लेषण करूं, जिन खबरों का विश्लेषण हम और आप करें, ना कि मैं आपको बताऊं कि इस तरह से चल रहा है उस तरह से चल रहा है। तो दोस्तों जब राहुल गांधी ने यह सवाल मोहन भागवत जी पर उठा दी, मोहन भागवत जी ने जो था स्वीकार कर लिया कि चीन में एनक्रोचमेंट हुआ है, किसका, चाइना का, लेकिन हमारी सरकार ने तो नहीं माना, तो राहुल गांधी ने फिर सवाल उठा दिए। अब जिस तरह से राहुल गांधी ने पहला ट्वीट किया था कि इतनी सारी जमीन कर ली है, तो उनको राजद्रोही बोला गया था, गद्दारों की भाषा कहने वाला बोला गया था, लगता है देशभक्ति का ठेका पूरे कार्पोरेट हाउस को भारत के संसाधनों को बेच के ले लिया गया, यह लगता है। सच्चाई का कोई पता चलती नहीं है, लेकिन इस बीच एक बड़ी और कारिस्तानी होती है। यहां मोहन भागवत के बयान को मीडिया में इस तरह से दिखाया जाने लगता है जिसमें बताया जाता है कि चीन डर गया, चीन संघ की धार से डर गया, चीन कांप गया, चीन कांप गया राजनाथ सिंह के दशहरा पूजन से। राजनाथ सिंह तो सिक्किम की सीमा तक नहीं पहुंच पाए, पहले ही पूजा करके भाग गया है। इतने तो कायर और दर्पों हमारे रक्षा मंत्री हैं जो चाइना के सामने नहीं जा सकते, लेकिन बिहार के लोगों को और देश के युवा सैनिकों को मरवा सकते हैं सीमा पर, कि बेटा हथियार मत उठाना, मर जाना। हिसाब ना तो पुलवामा का मिला है, ना मिला है चीन में शहीद हुए उन लोगों का जो मारे गए। और प्रधानमंत्री मोदी जी रैली में पहुंच जाते हैं, नमस्कार बिहार के लोगों ने कुर्बानियां दी, मोदी जी आपने कितनी कुर्बानियां दी, एक टांग कटा के आओ, जरा सा एक गोली खा के आओ सीमा पे, तब पता चलेगा। ये इस तरह की चीजें और नाटकबाजी करते रहते हैं। बिहार चुनाव को हारने के डर से अब और नाटकबाजियां सामने आएंगी। संघ का ये एक बयान आया, संघ के भागवत जी ने दशहरे के बारे में बोला, एनआरसी बिल के बारे में बोला, सीए के बारे में बोला, सबके बारे में बोला, वो हाईलाइट चलता रहा, लेकिन चाइना पर एनक्रोचमेंट माना भागवत ने, ये तो हेडलाइन ही गायब थी। अंदर की बात बता दूं दोस्तों, मोदी जी नपने वाले हैं
बिहार चुनाव से शुरुआत हो चुकी है और संकोच पता चल चुका है कि गुस्सा बहुत है बिहार में, क्योंकि बिहार से ही तो शुरू हुआ था भूमि आंदोलन। गांधी जी का वो नील आंदोलन भी याद कर लीजिए जिसमें अंग्रेजों की बाट लगा दी गई थी। दोस्तों कभी कभी सोचता हूं कि जिन बातों को, जिन जवाबों को, जिन सवालों को प्रधानमंत्री मोदी जी टालते हैं और मीडिया टालता है, लगता है कि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन और नमक आंदोलन शायद आयोडीन का नमक पाने के लिए किया होगा। आयोडीन का नमक कहीं से मिल जाए और आयोडीन पाने के लिए पीछे पीछे चल दिए होंगे सारे लोग। हंसी की बात है, कानून तोड़ा था उन्होंने और गिरफ्तारियां दी थी, स्वेच्छा से गिरफ्तारियां दी थी, लेकिन विपक्ष का भी यहां रोल था जहां विपक्ष अपना रोल भूल गया है। एनआरसी और सीएसी के विरुद्ध उसको रैली निकाल करके अपनी गिरफ्तारी देनी चाहिए थी, लेकिन यहां विपक्ष चूक गया और यही वो चूक है जो विपक्ष को बहुत पीछे रख देती है, विपक्ष को जो है सवालों के कटघरे में खड़ा कर देती है। सवाल तो सबसे पूछे जाएंगे, जवाब सबसे पूछे जाएंगे, लेकिन संघ के भागवत का बयान, चीन पर कब्जा, चीन का कब्जा भारत पर मान लेना, यह सबसे बड़ा बयान है और राहुल गांधी का सवाल भी जेन्युइन है जिसमें बोलते हैं डीप इनसाइड मिस्टर भाग, अच्छी तरह पता है भागवत जी को, लेकिन द ट्रुथ इज चाइना हैज टेकन अवर लैंड, सच्चाई ये है कि चाइना ने हमारी जमीन दबा ली है। मोदी जी की सरकार में इतनी दृढ़ इच्छा नहीं है, अगर कोई सवाल इनसे पूछ ले तो सीधा सा मीडिया पे खबरें चलने लगती हैं कि सेना का अपमान कर दिया, मतलब गवर्नमेंट का अपमान नहीं किया है, गवर्नमेंट से सवाल पूछो तो सेना का अपमान कर दिया। वाह, कितने बड़े मैनुपुलेटिंग लीडर्स बैठ गए हमारे यहां, दाढ़ी बढ़ा करके झूठ बोलने वाले। वैसे दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दो सीरीज शुरू हो चुके हैं, द सीरियल लायर ऑफ मोदी एंड वॉस स्पीचेस ऑफ मोदी, इनको देखना ना भूलें, ये दोनों चैनलों पर शुरू हो गई है। आने वाले समय में देखिएगा कि हमारे चैनल पर आजादी की लड़ाई और संविधान की रक्षा के लिए जो हमने आगाज किया है वो लड़ा जाएगा बिना किसी विपक्षी दल की सहायता से, बिना किसी की सहायता से हम अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। दोस्तों नमस्कार, ये वीडियो कैसा लगा और कैसा लगा ये खबर जिसमें शायद भागवत को राष्ट्रद्रोही नहीं बोला भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, बाकी के लोगों तो लोगों को तो बोल देते हैं, किसी ने अगर ऐसा बोल दिया होता तो उसको राष्ट्रद्रोही बोल दिया होता भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने, केंद्रीय नेताओं ने, सब ने, लेकिन यहां ट्विस्ट कर देते हैं कि मीडिया पे खबरें दूसरे तरीके से दिखाई जाने लगती हैं कि चीन कांप गया। अगर चीन कांप गया होता तो वो 1000 वर्ग किलोमीटर छोड़ के भाग गया होता ना, उस पर बेशर्म मीडिया क्यों बात नहीं करता। चलिए दोस्तों नमस्कार, इतनी ही बहस थी, इतने ही सवाल थे, इतनी ही न्यूज थी जिस पर आप डिस्कस करना और जवाब देना मत भूलिएगा, और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सवाल भी पूछते रहिएगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।